रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे और हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने लगे हैं अंडे और सब्जी। ये मेथी है, ये चार गुठी हैं, ये तीन हमने काट ली हैं बारीक और ये अभी काटेंगे, ठीक है। तो ये आलू है आधा किलो और ये अंडे हैं सात अदर, ये डालेंगे, ठीक है। उबाल लेंगे तो आलू को भी उबालेंगे और अंडों को भी उबालेंगे, इसके बाद आपको दिखाते हैं। घी गर्म हो गया, इसमें हम दो प्याज डाल देंगे और किसनारी कलर से करेंगे। प्याज को हम भूनेंगे, थोड़ा फ्राई कर लिए। ये 1 टेबलस्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए नमक है 1 टेबलस्पून। हाफ टी स्पून ये सरफ मट पीसी हुई है जीरा, ये डाल देंगे। ये 2 टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, देखो हमने फेंट लिया, ये एक कटोरी डाल देंगे। हम प्याज डाल देंगे, टमाटरों का पानी खुशक हो गया, आप दही भूनेंगे, दही डाल के भूनेंगे। तो अब इसमें हम कटी हुई मेथी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1 कप पानी का डाल देंगे। और ये देखिए हल्की आंच पर रख देंगे, ढक देंगे हल्की आंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेथी है धीमी आंच पर रखी हुई थी पकने के लिए, ये देखें इसका पानी खुशक करेंगे, भून लेंगे। ये देखिए आलू को हम बाल कर छील लेंगे, छील लिया था और ये इसके 4 टुकड़े कर देंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किप कर लेंगे, ठीक है। ये देखे अंडों को भी ये काट लेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसके भी 4 टुकड़े कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। सब किस तरह कर लेंगे। सब किस तरह कर लेंगे आपको बाद में दिखाएंगे। ये चीज को अच्छी तरह से भून लिया, अब हम इसमें आलू डाल देंगे उबरे हुए। ये देखें माशाल्लाह डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे।
देंगे, देखें अंडे रख देंगे। वन टेबल स्पून ये गरम मसाला डाल देंगे, ठीक है। चलो माशाल्लाह, ये देखें अंडे और सब्जी तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह ये सब्ज़ी अंडे का सालन तैयार हो गया। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत और इजाफा करें, आमीन। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, खुश ज़ायका, खुशबूदार, मज़ेदार है। इन सीम फूड स्पेशल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, हमें अपनी दुआ में शामिल रखें, हम भी आपको अपनी दुआ में शामिल रखते हैं। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।